हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मेरे पास एक LG का फ्लैट TV आया हुआ है और जिसका मेन प्रॉब्लम है ये कि ये ऑन नहीं हो रहा है और बिल्कुल डेड पोजीशन में आया है। तो इसको हम रिपेयर करके दिखाएंगे आपको। और ये जो गाइस टीवी है, ये पहले भी एक बार रिपेयर हो चुका है, जो कि मुझे कस्टमर की तरफ से ये इंफॉर्मेशन मिली है। तो अगर कोई भी आपके पास TV आए रिपेयरिंग के लिए, तो सबसे पहले इसको पूछ लेना चाहिए कि ये जो TV है ये पहले रिपेयर हो चुका है कि नहीं। तो ये मैंने चालू करके देखा तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ना ही इसका इंडिकेटर LED चल रहा है, ना ही इसमें कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो चलिए, इसको खोलने के बाद हमें जो स्टार्टिंग से लेके क्या क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम इसका जो मेन AC कॉर्ड है, हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई गड़बड़ी है कि नहीं। तो चलिए, मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से, जो कि यहाँ पर लॉक किया हुआ है। और इसको गाइस, सबसे पहले डेड TV का यही होता है कि उसका जो मेन AC केबल होता है, सबसे पहले उसको ही चेक करना होता है। और उसके बाद जो फ्यूज लगा होता है उसको चेक करना होता है। तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले इसे मल्टीमीटर के ज़रिए मैं जो ये AC केबल है इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज पे रखना होगा, जैसे कि देख सकते हो मैंने रखा। और उसके बाद मैंने एक साइड पे यहाँ पे टच किया और एक साइड पे मैंने इस तरह से टच किया। और आप मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हो डिस्प्ले पे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि आपको बीप साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि बहुत ही कम इसका बीप साउंड है, लेकिन आपको वैल्यू तो दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे। तो इसका मतलब ये जो एक है तो वायर सही है। अब दूसरी वायर को हम देख लेंगे। तो आप देख सकते हो दूसरी वायर में भी हमें ये जो कुछ वोल्टेज वगैरह यानी कि वैल्यू मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वो कॉर्ड सही है। अब बड़ी आते हैं कि गाइस, ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज को चेक करना होगा, क्योंकि ये 5 एम्पियर का फ्यूज है। तो चलिए, मैं इसको बाहर निकालता हूँ और इसको हम चेक करके आपको बताता हूँ कि ये जो फ्यूज है ये सही है कि या नहीं। तो जैसे कि देख सकते हो, उसी तरीके से हम इस फ्यूज को भी चेक करेंगे, अगर वैल्यू मिले तो सही है, नहीं मिले तो ख़राब है। देख सकते हो, ये इसका फ्यूज के अंदर हमें कोई भी वैल्यू वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये फ्यूज ख़राब हो चुकी है, यानी कि ये बर्न हो चुकी है। तो गाइस, फ्यूज ऐसे ही नहीं ख़राब होती है, नहीं उड़ती है। तो इसके पीछे जो कारण होता है कि इसको शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। तो अगर आपके पास TV आए और उसमें फ्यूज कटा हुआ आपको मिले, तो आपको फ्यूज को लगाने के तुरंत बाद ही आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि फ्यूज गाइस, अगर पीछे की किसी कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाए, किसी कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो जाए, तभी आपका फ्यूज उड़ती है। तो इसलिए आपको फ्यूज के साथ साथ आपको जो कंपोनेंट्स वगैरह है वो भी सारे चेक करना है। जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पे कोई जो शॉर्ट सर्किट हमें मिल रहा है कि नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैंने फ्यूज को शॉर्ट किया, अब देख सकते हो दोनों हमें AC पॉइंट पे कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कंपोनेंट शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा ये जो फ्यूज उड़ चुका है। तो सबसे पहले हम जो कैपेसिटर है इसको डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि कोई भी पावर सप्लाई यानी कि कोई भी चीज़ रिपेयर करने से पहले आपको चेक करना होता है कि ये जो डायोड आप देख रहे होंगे, मैं अभी जो चेक कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा रेक्टिफायर डायोड है। तो ये जो रेक्टिफायर डायोड है हमें सही मिला है, क्योंकि इसमें कोई भी हमें बीप साउंड या शॉर्ट की कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो वो सही है। तो आप बढ़िया थे कि गाइस, एक एक करके सभी चेक को देखना है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, जी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आप देख सकते हो एक PF लगा हुआ है, और ये जो PF है गाइस, ये फट चुका है और इसका वैल्यू शायद नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देख सकते हो कितना काला भी हो चुका है और ये फट भी चुका है। तो इसकी जगह पर हमें नया वाला लगाएंगे। तो उसका जो वैल्यू था, मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ कि देख लेता हूँ कि आसपास की। ये तो मुझे पता चल गया है कि वो जो PF था वो 2KV का था। तो 2KV का PF हमें इस बक्सों के अंदर हमें मिलता है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ। अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो मैं मार्केट से आके लेके आऊँगा। तो गाइस, हमारे पास ये जो PF है ये सेम वैल्यू का नहीं था हमारे पास। तो इसकी जगह पे मैंने 681 KN 2KV का लगा दिया हूँ, और पहले जो लगा हुआ था वो 471 KN 2KV का लगा हुआ था, लेकिन अभी उसकी जगह पे मैंने 681 N 2KV का मैंने PF लगाया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, और मेरे ख्याल से ये
ठीक हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार ऑन करके दिखाता हूँ कि ये हमारा जो टीवी है ठीक हुआ है कि नहीं, और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस, सबसे पहले टीवी को हमारे सामने इस तरफ घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद आप देख सकते हो हमारा टीवी कुछ इस तरीके का दिखेंगे आपको सामने से। और चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ये जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है यहाँ पे मैंने लगाता हूँ, देख सकते हो मैंने लगाया, और अब मैं इसके स्विच ऑन करूँगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने स्विच ऑन किया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे रेड LED इंडिकेटर जलना स्टार्ट हो गया है। शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप डिस्प्ले पे देखिए, शायद अभी देख सकते हो ये हमारा जो सिग्नल है आ गया है ये भी, जो कि हमारा ये नहीं आ रहा था। तो चलिए मैं स्विच को प्रेस करके देख लेता हूँ, शायद स्विच प्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि पीछे से सपोर्ट लगेगा। तो मैं ये जो टीवी को कंप्लीट जो मैं पैक करके मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पीछे की साइड दिखा देता हूँ कि किस तरह से है, देख सकते हैं अभी खुला हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको पैक करूँगा और आपके पास मैं दिखाऊँगा कि हमारा टीवी ठीक हुआ है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास रिमोट नहीं है और रिमोट से मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसको पैक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, टीवी को मैंने सक्सेसफुली असेंबल कर चुका हूँ, यानी कि जो डब्बा था वो लगा चुका हूँ पीछे की साइड का। तो चलिए अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ और इसका जो स्विच है उसको प्रेस करके दिखाता हूँ। ये मैंने दिया, उसके बाद मैंने स्विच ऑन किया, और अब देख सकते हो अभी इंडिकेटर अभी ग्लो होने लग गया है, और अभी यहाँ पे सिग्नल भी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा कैमरा को मैं ऊपर कर लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ। आप देख सकते हो ये ऑन आ गया है यहाँ पे, अभी जो ब्लिंक कर रहा है ये कैमरे की वजह से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ब्लिंकिंग का सिंबल नहीं दिखेगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका जो स्विच है वो प्रेस करके दिखाता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड लॉक ऑन, इसका मतलब है जिसका टीवी है उसने चाइल्ड लॉक का जो ऑप्शन होता है उसको ऑन करके रखा है, ताकि कोई अगर बच्चे वगैरह रिमोट वगैरह लेके अगर उल्टा पुल्टा कुछ प्रेस कर दिया तो टीवी का कुछ नहीं होगा। तो हमारा काम गाइस ये चाइल्ड लॉक को खोलना नहीं था, हमारा काम था ये डेड पोजीशन में आया था, इसको रिपेयर करना था। तो देख सकते हो ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो गाइस, अगर अच्छा लगा इस वीडियो को तो लाइक कीजिए, और इस तरह के और भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में आप बताइएगा कि किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो, और इस वीडियो के अंदर आपको क्या समझ में नहीं आया है आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को आखिर तक देखने